रमन विज्ञान केंद्र नागपुर की ओर से खिलौना बनाने की गतिविधि में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मैं हूँ कालिदास। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिंपल मिनी पेन पंप, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खिलौना है। तो चलो जानते हैं ये सिंपल मिनी पेन पंप क्या होता है और इसको बनाते कैसे है। तो आज के हमारे इस खिलौने के लिए कैंची, धागा, साइकिल स्पोक, पेन और कीला चाहिए। सबसे पहले आपको ये साइकिल का स्पोक लेना है और धागा लेना है, और साइकिल के स्पोक के एक एंड को ये जो धागा है, इसी प्रकार आपको ये जो धागा है वो आपको इसे बांधना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार मैंने ये जो धागा है यहाँ बांध लिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि इस पेन के अंदर ये इजीली ऐसे जा सके, यानी कि इस पिस्टन का काम करेगा। हमें यहाँ कीले का यूज करके होल बनाना है। तो यहाँ एक होल बनाएंगे और यहाँ एक होल बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक होल किया है और यहाँ भी एक होल किया है। अब जो हमारा स्पोक है यहाँ से ऐसे डालना है और ये पेन लेना है आपको और ये इसे अंदर डालना है, ये आपको पैक करना है। तो अब जो हमारा सिंपल मिनी पेन पंप है वो यहाँ पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब हम देखेंगे ये कार्य कैसे करता है। पंप है वो पानी में ऐसे पकड़ना है हमें और इसको ऐसे पंप करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा होल है वहां से पानी बाहर निकल रहा है, यानी कि हमारा जो पंप है वो यहाँ कार्य कर रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार खिलौना है, तो ये आप अपने घर में जरूर बनाइए। तो यह ऐसे बाहर पानी क्यों निकलता है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो जब हम इस स्पोक को ऊपर नीचे करते हैं तो यह जो स्पोक है यह पिस्टन का काम कर रहा है, तो पेन के अंदर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इसी कारण जो पानी है वो ऊपर खींचा जाता है और वो बाहर निकलता है। सेम जो हैंड पंप होता है वो इसी प्रकार कार्य करता है। तो आशा करता हूँ ये जो सिंपल मिनी पेन पंप है वो आपको पसंद आ गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे और कुछ नए खिलौने के साथ। धन्यवाद।